भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने 33% आरक्षण देने की बात की संगठन के अंदर, एक प्रदेश के अंदर सिमटी हुई पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी का गौरव प्राप्त हो, उसके तरफ अगर उंगली दिखाए तो मुझे लगता है कि आसमान में थूकने का अलावा कुछ नहीं है। इन दिनों बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महागठबंधन में फूट हो चुकी है, जेडीयू में फूट हो चुकी है, कांग्रेस में भी फूट हो चुकी है, लेकिन आज सुबह मंत्री श्रवण कुमार का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के चार बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से आउट होने वाले हैं, जिसको लेके आज हम खास बातचीत करने के लिए मृत्युंजय झा के पास आए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम सीधे बात करते हैं। क्या लगता है सर, कितने लोग आउट होने वाले हैं? देखिए, ये मूर्खतापूर्ण बयान है। भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं ये सारे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, और आज इसमें स्वयं रवि जी, रूडी जी सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, नंदकिशोर जी विधानसभा में एक कम समिति के अध्यक्ष भी हैं, और ये सारे नेता पार्टी के कोर टीम के मेंबर भी हैं, और इसलिए इस प्रकार की बातें करके एक अपने बौद्धिक परिचय देना चाह रहे हैं, क्योंकि श्रवण कुमार जी को सब जानते हैं, उनका रिमोट केवल और केवल भगवान नीतीश कुमार है, उसके अलावा उनकी कोई काबिलियत नहीं है जिसके कारण वो राजनीति में हों, तो इसलिए इस प्रकार की बातें करके केवल राजनीतिक सुर्खियाँ बटोरने के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले भी खबरें आ रही थी कि इन जिन नेताओं का नाम उन्होंने लिया है वो नेता का एक ऑरा था, एक समय था, अब वो समय ख़त्म हो चुका है। अगर ये नेता आउट होते हैं तो बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, बीजेपी में दायित्व तो बदलते रहता है और हर व्यक्ति को अलग अलग काम मिलता है और सबको अवसर दिया जाता है। आज भी कई रिशफलिंग में नए मंत्री बनेंगे, पुराने मंत्री हटते हैं, नए मंत्री बनते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर सब लोग दायित्व के हिसाब से काम करते हैं, पार्टी जो जिसको निर्देश देता है उस हिसाब से काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको क्या पता है। एक प्रदेश के अंदर सिमटी हुई पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी का गौरव प्राप्त हो, उसके तरफ अगर उंगली दिखाए तो मुझे लगता है कि आसमान में थूकने का अलावा कुछ नहीं है। कोई आसमान में थूकता है तो उसके सर पर ही पड़ता है, इसलिए इस प्रकार की बातें करके एक ओछी राजनीति का परिचय दिया है। साथ कल एक प्रेस वार्ता के जरिए ये भी बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। जो आप लोग की प्रमुख शाखा है आरएसएस, उसमें पहले महिलाओं के लिए जगह नहीं थी, अब वो जगह बनाई गई है, वो भी दूसरे पार्टियों को देख के, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को पता नहीं है, 1925 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, और उसके बाद राष्ट्रीय सेविका समिति पहली ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खड़ी की, और इसलिए उसको कहते हैं राष्ट्रीय सेविका समिति। अभी जिनको पता नहीं है वही इस प्रकार की बातें करते हैं, इसलिए हमने कहा ना कि जिसको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी गहराई कितनी है वही इस प्रकार की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने 33% आरक्षण देने की बात की संगठन के अंदर, आज भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर से लेके नीचे तक स्थानीय समिति तक महिलाओं के 33% आरक्षण है, ये दूसरी पार्टी ने कहाँ किया। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा महिलाओं का है कि आने वाले समय में एक बेहतर अवसर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही मिल सकता है। अभी भी सदन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपस्थिति महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में लोग हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें करके कोई विषय नहीं है तो विषय चलाना है, इस रात इस प्रकार के जदयू के लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए, देखिए, जिस तरीके से मंत्री श्रवण कुमार का ये बड़ा बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी से चार बड़े नेता आउट होने वाले हैं और लगातार बीजेपी पे कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, चाहे बात कर ले कल की प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने सीधे कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, इन सब मुद्दों पर बात किया हमारे साथ मृत्युंजय झा ने। अभी देखना होगा कि बिहार की सियासत इन सब मुद्दों के बाद किस तरीके से गर्माते हुए नजर आएगी। स्नेहा गुप्ता कैमरामैन हीरा के साथ, IVTV पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।